केहू भी जीतल बा। ए रोड पर ध्यान नहीं दिले, इतना स्थिति खराब हो गई बा कि तीन बार ए पर आदमी गिरल, तीन बार मुँह से बचल। चल के देख ली कितना कितना खड़ा भइल बा। पंचायत में सब रोड बन गई बा, लेकिन ए रोड पर ध्यान नहीं आज ले। फंड का काम असो चढ़ रहा है, जो पहले से चढ़ा है वो हो रहा है, जो असो चढ़ रहा है वो अगला 2023 में होगा। 20 बरस में नहीं चढ़ा है आपके, जैसे आप वार्ड बनी था आपसे उस तरह मत ना बताइए। अलग हट के नहीं बंटी पब्लिक रखल बैठे, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो प्रोजेक्ट बा पूरी तरह से फेल दिखाई देता। सही बताइए, आपके गांव में नल जल का पानी पहुँचे ना? मुखिया जी के द्वारा पर कोनो कार्रवाई नहीं कल जाए? मुखिया जी कार्रवाई नहीं कल जाए, मेन बात वही बाकी केहू हमसे मिलहू ना आएगा कि तू लोकेशन बढ़ा लो, बस खाली वोटे के दिन आए वाला लो। नमस्कार, आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा झलको गोपालगंज में। इस समय हम गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के नवादा पंचायत के वार्ड नंबर 9 बभनौली पूरब टोला में पहुंचल बनी। और आप सबके बता दी कि एजा ये गांव में जौन बाकी काफ़ी ज़्यादा समस्या देखे के मिलता, ये गांव में अगर केहू के इमरजेंसी हो जाओ तो ना आवे के जाए के रोड बा और ना ही ये गाँव के कोनो भी सुविधा आज तक ले मिल पावल बा। सारा प्रशासन में जितना भी जिला में लोग बा कहीं ना कहीं विकास से पूरा ये गाँव वंचित रह चुकल बा। आप हमारा बगल में देख सकते हैं ये जौन बोर्ड लगावल बा, ये बोर्ड के स्थिति का दिल गई बा। गांव के लोग हमारा कैमरा के पीछे बतावल कि ये गांव में जौन बाकी कुछ पियक्कड़ लोग बा जौन की शराब पी करके कहीं ना कहीं जौन बाकी काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर लो, काफ़ी ज़्यादा ड्रामा कर लो, वो ड्रामा करके जौन बाकी बोर्ड के तोड़ ताड़ के आ कई बार जौन बाकी नुकसान पहुँचावे के कोशिश कैले बलो। और आप सबके बता थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के जो सपना रहा कि बिहार में शराब के बंद कर दे बा, वो सपना कहीं ना कहीं टूटत दिखाई देता, कहीं ना कहीं जौन बाकी पूरी तरह से फेल दिखाई देता। आप हमारा बगल में देख सकते नहीं कि शराब के बोतल है पूरी तरह से रखल बा, आप देख सकते नहीं पूरी तरह से बंटी पब्लिक रखल बैठे, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जौन प्रोजेक्ट बा पूरी तरह से फेल दिखाई देता। अब एकरा ऊपर भी सरकार और प्रशासन ना जागी तो कौन फायदा है प्रशासन में रहला के वजह से। ये सब मुद्दा पर बात करे खातिर हमारे साथ ये लोग मौजूद वाले लोग से बात कर लिए कि कौन कौन समस्या से गाँव के लोग परेशान बा। ये बताई कि जौन बोर्ड गिरावल गई बा केकरा आदमी के द्वारा ही कल जा सकेला? देखिए, अज्ञात आदमी गाँव के लोग बा जे भी कैले बा, जी दारू पीले बा, दारू पी के सुबह में बोर्ड तोड़ले बा, लड़का सीधा कर के गई बड़ा सन, फिर भी दो बार सीधा कैला के बाद में भी सुबह से अभी 10 बजे तक 10 बजे के भीतर फिर ओकरा के नुकसान क्षतिग्रस्त कर दिया गई बा। एकरा पहले भी समस्या देखे के मिलल बा? एकरा पहले भी समस्या बा, रोड पर एकदम सीधे लेटरिंग करते ले यहाँ से वहाँ तक, कई बार मना करावल गई लोग के लेकिन फिर भी लोग मानत नहीं है। आ यही पर रोड पर आके लेटरिंग करता, इतना ना रोड खराब हो गई बा, रिसोलिंग भी नहीं भैल, अब 20 बरस हो गई आज ले फर्स्ट भैल बा ईंटाकरण बाढ़ के पहले 2000 पहले के। आज ले पंचायत के मुखिया भी केहू भी जीतल बा, ए रोड पर ध्यान नहीं दिले, इतना स्थिति खराब हो गई बा कि तीन बार ए पर आदमी गिरल, तीन बार मुँह से बचल। चल के देख ली कितना कितना खड़ा भइल बा। पंचायत में सब रोड बन गई बा, लेकिन ए रोड पर ध्यान नहीं आज ले। 2000 के पहले ये रोड बनल बा, रोड बनल बा ईटाकरण, ईटाकरण तीन बार बाढ़ आयल, तीनों बार क्षतिग्रस्त इतना हो गई बा। आ हर बार हमनी के जे भी मुखिया होला ओकरा से आग्रह कर जला कि रोड बनवाओ के, रिसोलिंग करवाओ के, PCC करवाओ के, लेकिन हम तो ना रही ले जी बाहर रही ले, लेकिन हम देखते हैं जहाँ PCC हो गई बा वो पंचायत में डबल PCC होता, लेकिन आज ले राजबली टोला यादव में आज ले ना PCC भइल बा ना रिसोलिंग भइल बा। अच्छा, ये सब मुद्दा के लेकर के आप लोग इन मुखिया जी से बात करें? मुखिया जी से भी हम एक दिन मिले रहनी 10 दिन पहले, हम बात कहनी कि मुखिया जी हर जगह डबल PCC होता लेकिन हमारा टोला में जौन बा अभी ले PCC ना भइल। तो मुखिया जी कहा था नहीं कि ये जौन बावे रिसोलिंग कराव के पड़ी, मतलब रिसोलिंग करावल आ PCC कराओ तो मुखिया के नाकाम बा जी। तो ये पर ध्यान देवे के चाहिए, 30 बरस हो गई, मुखिया जी से हम आग्रह करतनी कि 20 बरस हो गए, 20 बरस में 1 रुपया काम नहीं खेबले गांव में। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में नल जल का पानी पहुँचे ना? ना नल जल चालू नहीं है? ना चालू नहीं है, आइल ही नहीं है, चालू कहाँ से होगी? हल्ला नहीं है? हाँ, हल्ला नहीं है। और नीतीश कुमार जी और जिला में जितना भी अधिकारी वालों कहीं ना कहीं कागज के हिसाब से बड़ा बड़ा दावा कर लो कि गोपालगंज के हर गांव में जौन बाकी नल के जल जौन बाकी पहुँचल जा चुकल बा, लेकिन कहीं ना कहीं गाँव जौन बाकी पूरी तरह से बतावता है, गाँव के लोग हमारा के बतावता कि नल के जल जौन बा पूरी तरह से फेल बा, और नीतीश कुमार जी के जौन ड्रीम प्रोजेक्ट बा पूरी तरह से फेल दिखाई देता। का नाम पड़ी भी आपके? नीतीश कुमार।
और कौन कौन समस्या से आप लोग? सबसे पहले इस समस्या बा कि हमारे रोड के लेके समस्या बाटे। जब से हमारे जन्म होल तब से रोड के यहीं देखत नहीं। अच्छा, ताकि करीब हमारे जन्म 15 साल हो गई आ 15 साल से हम रोड के यहीं देखत नहीं। 15 साल में 3 गो मुखिया बदला अलो पर रोड के ना बनल। आ दूसरका समस्या बा कि नल जल नहीं लागल, खाली लीक ले जा लो और नल जल ना लगा लो। तीसरका समस्या बा कि स्ट्रीट लाइट नहीं लागल, खाली 100 रुपये बॉल लग गई बा। बस उतना से हमने कितना अंजूर मिली। मुखिया जी के द्वारा एहपर कोनो कार्रवाई नहीं कल जाए? मुखिया जी कार्रवाई नहीं कल जाए। मेन बात वही बा कि केहू हमसे मिलहू ना आएगा कि तू लोग कैसन बढ़ा लो। बस खाली वोटे के दिन आए लो। वोट के बाद कोनो मतलब ना कोनो मतलब रही तो रोड अभी तक ले बन गई रही। तो देख सकता नहीं गांव के लोग के सीधा सीधा आरोप बाटे कि ये बरा मुखिया जी के द्वारा कोनो भी कार्रवाई नहीं कल जात और जौन बाकी कोनो भी तरह के सुविधा नहीं दिया जात। क्या नाम पड़ी चाचा आपके? रमेश यादव। अच्छा, ये बताई सबसे पहले बिहार में शराब बंद बा तो कहे हो जो देखते हैं जो बोतल फेंकल हो जाए? शराब बंद बा? शराब कहाँ बंद बा? नहीं बंद तो अब कहाँ से बोतल ले? शराब बंद कहती है जो बंद शराब बंद रहे तो नवादा पंचायत में शराब बिकाई। सही बात है। अच्छा, ये बेचाला ये जी बिकाला ए पर प्रशासन के ध्यान देवे के चाहिए। अच्छा, ये बताइए आप लोग इन मुखिया के एगो अंग हैं, मुखिया से कहीं ना कहीं आप लोग इनके मिल मतलब कॉन्टेक्ट हुई कोनो भी समस्या के लेकर के? तो ये सब समस्या आप लोग रखे नहीं लोगी? हमने के 6 महीना जितला भइल, 6 महीना से रोड के सब लिख के मुखिया जी के पास BDO साहब के पास पहुँचौले बनी सन जननी। अभी हमने के धारणा नहीं मिलल कि रोड पास भइल बा जननी। हो जाला काम हो जाला। नौ नंबर में जो पश्चिमी दिशा में जो अथी जल नल लगा हुआ है वो 8 महीना से वो मोटर खराब है भाई। कोई सुनवाई नहीं है BDO साहब के पास, कहीं भी सुनवाई नहीं है। पश्चिमी टोला का तो हो ही जाएगा समझे। अभी कहीं भी जाने पर बोलते हैं लो कि अभी जो असो चढ़ रहा है नेट पर, जो फंड का काम असो चढ़ रहा है, जो पहले से चढ़ा है वो हो रहा है और जो असो चढ़ रहा है वो अगला 2023 में होगा। 20 बरस में नहीं चढ़ा है आपके जैसे आप वार्ड बनी था आपसे काम है उस तरह मत ना बताइए। अलग हट के नहीं, मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। आप वार्ड हैं, आपके जिम्मे है नल का जल जो चलाना है, 24,000 रुपए आपको मेंटेनेंस के लिए आया है तो मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ है? मेंटेनेंस मोटर जर गया है, 24,000 से पूरा नहीं हो रहा है जी। समझे आप इस बात को? अपने मुखिया बोर भस गया है जी, बोर भस गया है जी। 24,000 से पूरा नहीं है। हम दौड़ दौड़ के BDO साहब के पास जाते हैं जी जी। कभी चले जाते हैं इलेक्शन में जी, कभी भेंट नहीं होता है जी। भेंट हुआ है तो 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं। आप लिखित आवेदन उनको दिए हैं? हाँ, मतलब अपने स्तर से आप कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं। जो बड़े अधिकारी उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट बा जे भी जिला में लोग बैठल बा, जे भी नेता विधायक जे भी सरकारी अधिकारी बैठल बा, कहीं ना कहीं गांव पूरी तरह से वंचित बा विकास के दृष्टि से। तो आप लोग इनसे विनम्र निवेदन बा कि आप लोग इन्हें गांव के एक बार दौरा करी, ये गांव के भी तनी सुविधा पहुँचाई ताकि ये गाँव के लोग के सुविधा मिल सको और अपन जिंदगी के थोड़ा अच्छा से जी सको। और ये वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा जे भी लोग देखते हैं एक शेयर करी ताकि जिला में जितना भी लोग बैठल बा सबके पास तक ये वीडियो पहुँचे और मिलजुल करके गाँव के थोड़ा भी हेल्प करे के प्रयास कर जाओ। धन्यवाद।